ज्योतिष एक ऐसा महान विज्ञान जिसकी सही जानकारी से आपके बारे में सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने महान ज्योतिष ज्ञान भारतीय सभ्यता के आंगन में सीखा है। उन्हें प्राप्त हुई है ज्योतिष अनुभूतियाँ। यही कारण है कि वे अपने ज्योतिष ज्ञान और भविष्यवाणियों से इतनी कम उम्र में ही सबको चकित कर रहे हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त आचार्य श्री नवीन कौशिक से। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का संगम है वे। ऐसे लोग जो अपनी समस्याओं का हल हर जगह खोज कर थक चुकी हैं, उनकी अद्भुत ज्ञान शक्ति से अचंभित हो नतमस्तक है। आइए मिले आचार्य नवीन कौशिक से जिन्होंने ज्योतिष की दुनिया को बदल दिया है। नमस्कार, मैं श्रद्धा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारी इस विशेष प्रस्तुति साईं वैदिक संस्थान में। इस कामना के साथ कि सारी दुख तकलीफें अब आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं। आज बात करेंगे कर्जे के ऊपर। जी हाँ, कर्जा जो चुकने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं कितने टाइम से अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशों को रोक कर हमने उस कर्जे को चुकाया है, चुका रहे हैं, लेकिन वो चुकने का नाम ही नहीं लेता। हम सोचते हैं चलो भाई अब सैलरी थोड़ी बढ़ गई अब कर्जा चुक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं चुक रहा। और स्पेशली जब बात करेंगे हम बैंक लोन्स की, वो तो किसी भी प्रकार चुकने का नाम नहीं लेते, या फिर चुक भी जाएंगे तो फिर एक और लोन सर पे आ जाता है, हम ही लेते हैं पर वो लोन चुकता नहीं है, कर्जा चुकता नहीं है। कैसे चुके कर्जा, ये आज हम जानेंगे। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, कॉल कर सकते हैं, नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले स्वागत करेंगे पंडित नवीन कौशिक जी का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कर्जे के बारे में जानना चाहूंगी नवीन जी, कर्जा नहीं चुकता और हमने पता नहीं कितनी ख्वाहिशों को रोका होता है कि ये कर्जा चुक जाएगा उसके बाद ये कर लेंगे, ये कर्जा चुक जाएगा उसके बाद ये कर लेंगे, लेकिन कई बार तो उन ख्वाहिशों के लिए भी हम एक और कर्जा ले लेते हैं। और स्पेशली जब बैंक लोन की बात आती है वो चेन टूटने का नाम ही नहीं लेती है, क्या करें? देखिए, कर्जे से तो आज भी लोगों को डर लगता है, लेकिन कर्जे का जो आधुनिकीकरण हुआ है और आधुनिक नाम जो लोन हो गया है, इससे लोगों को थोड़ा इसका भय कम हुआ है। पहले कर्जे के नाम से थोड़े भयभीत होते थे, लेकिन जब इसका आधुनिक नाम है लोन, तो इससे थोड़ा सा भय कम हुआ है। और जब इसका भय कम हुआ है तो इससे अब हर एक कैटेगरी के व्यक्ति को टारगेट किया गया है और बड़ा प्लान करके किया गया है। बैंक्स से लेकर के नॉन फाइनेंशियल कंपनियां जो हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में ही हैं लेकिन फाइनेंशियल नहीं है, यानी कि वो किसी तरीके का पैसे का वैसा लेन देन नहीं करते हैं, सिर्फ लोन ही चलते हैं, जैसे कि गोल्ड लोन के आधार पर व्यवसाय करते हैं या अन्यत्र लोन का व्यवसाय करते हैं, चाहे वो हाउस लोन देते हैं, गोल्ड लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले एक ऐसा समय होता था जहां पर संपन्न लोग ही एक दूसरे संपन्न व्यक्ति को देते थे। जब एक संपन्न व्यक्ति डिस्टर्ब होता था तब लोन लेता था, या बहुत ज्यादा मजबूरी आने पर ही लोन लिया जाता था, ऐसा होता था पहले के समय में। लेकिन अब सिर्फ मजबूरी के ही लिए लोन नहीं लिया जाता है, अब सुविधाओं के लिए भी लोन लिया जाता है और हर एक कैटेगरी में लिया जाता है। मतलब अभी नियर बाई मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक पेपर में एड देखा, और उस एड के अंदर मैंने क्या देखा है कि वाटर प्यूरिफायर का एक एड मैं देख रहा हूं जो कि जिसकी कीमत ही 15,000 रुपए है या फिर 12,000 रुपए है, और उस एड के अंदर मैं यह देख रहा हूं कि स्टार्टिंग में 500 रुपए दे करके और बाकी का सारा पैसा आप किस्त में दे सकते हैं। आप बिलीव करेंगे कि 15,000 रुपए की या 12,000 रुपए की वस्तु भी आज के समय पर फाइनेंस पर, जिसको हम लोन कहते हैं, जिसको हम कर्जा कहते हैं, कर्जे पर मिल रही है। अब यह किस कैटेगरी के लिए, या उस कैटेगरी के लिए है जिसके पास में एक साथ देने के लिए 12 से 15,000 रुपए भी नहीं है, यानी कि जो अपनी सुविधाओं के लिए एक मुश्त 12,000-15,000 रुपए भी नहीं खर्च कर सकता है, या उसके लिए भी है। अर्थात हम यह समझ सकते हैं कि यह जो लोन का जो ये क्राइटेरिया है या लोन का जो ये एक विषय चल पड़ा है, लोन का जो एक प्रचलन चल पड़ा है, यह हर एक कैटेगरी के लिए चल गया है। यानी कि अब हम हर छोटी छोटी चीजें, मोबाइल्स हमें लोन पर मिल रहे हैं, हमें घड़ियां लोन पर मिल रही हैं, हमें कार लोन पर मिल रही है, हमें घर लोन पर मिल रहा है, मतलब बहुत
छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, सारी चीजें लोन पर उपलब्ध हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसी आपकी जेब है वैसा आपको लोन उपलब्ध हो रहा है। अब लोन शब्द होता है इसलिए इसको लोग थोड़ा इजी समझते हैं। कर्जा आज भी भयभीत करता है, कर्जा शब्द जो है वह भयभीत करता है, लोन फिर भी भयभीत नहीं करता है क्योंकि इसका आधुनिकीकरण हो चुका है। अब दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं कि हमने लोन ले तो लिया। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हर एक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही लोन लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति BMW अफोर्ड कर सकता है, एक ऐसी गाड़ी BMW गाड़ी अगर अफोर्ड कर सकता है, तो वह उसके आधार पर या उसके अनुरूप ही लोन लेना पसंद करता है, उससे उच्च स्तर पर लोन लेना पसंद नहीं करता है। लेकिन हमेशा जीवन हमारी प्लानिंग के अनुसार चले ऐसा भी तो संभव नहीं है, क्योंकि आज हमने लोन लिया, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, आप इसको अन्यत्र न लें। अगर हमने प्लान किया कि हम BMW गाड़ी लेते हैं और अपनी सोर्स ऑफ इनकम के आधार पर हमने ले लिया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अच्छे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम सिर्फ ले सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो उस परिस्थिति में कई बार सिचुएशन हमारे विषम भी होती है। यानी कि हमारी ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है और हम BMW कार ले रहे हैं, उस परिस्थिति में हमने जिस तरीके से प्लान किया उसके आधार पर हमने ले भी लिया। लेकिन अगर परिवार में किसी प्रकार की कोई ऐसी आपत्ति आ गई है, तो उस परिस्थिति में हमें हमारे उस लोन में व्यवधान आएंगे, उसमें डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी, इवन हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल जो साइकिल है या पूरा का पूरा डिसबैलेंस होगा। तो इसलिए पहले तो हम यह समझें कि हमारा आउटसोर्स क्या है और हमारा इनकम सोर्स क्या है। इन दोनों को समझने के उपरांत ही अपनी कैपेबिलिटी के एक हिस्सा ही हमें, 10% 5% ही हमें लोन लेना चाहिए, इससे अन्यत्र नहीं लेना चाहिए। या फिर अगर मैक्सिमम भी समझें तो अगर हमारी इनकम 100 रुपए है तो हमें 2500 रुपए से अधिक लोन नहीं लेना चाहिए, यह वास्तविकता है। लेकिन जब हम ऐसी प्लानिंग भी करते हैं और हमने लिया भी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही है, यानी कि 100 रुपए हम कमाते हैं, हमने 2500 रुपए का लोन लिया, उसके उपरांत भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम उस लोन को सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते हैं, या एक्चुअली प्रॉब्लम है। लोन लेना गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोन नहीं लेना चाहिए। बड़े से बड़े व्यवसाय को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए लोन लिया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए आज के समय पर लोन लिया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आज अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है और उसको अर्जेंट ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उसमें भी लोन लिया जाता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लोन जो सुविधा है यह गलत नहीं है, लेकिन इसका सही जगह पर इस्तेमाल हो यह अनिवार्य है। अब हमने अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार लोन लिया लेकिन हम चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, ज्योतिष के माध्यम से कैसे उसको समझ सकते हैं, ये जान लेने का विषय है। यदि हम अपनी कुंडली को देख रहे हैं, तो खास करके अगर कुंडली का 6th हाउस हम देख रहे हैं, जैसे लग्न भाव बॉडी स्ट्रक्चर के लिए 2nd हाउस धन संपत्ति के लिए, आपकी वाणी के लिए, 5th हाउस शिक्षा के लिए और रिलेशनशिप के लिए, आपकी मानसिकता के लिए, इसी प्रकार से जो 6th हाउस होता है वह ऋण रोग और शत्रुता के लिए कहा जाता है। ऋण का मतलब कर्जा यानी कि लोन। अब अगर हम बात करें ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन की, तो 6th हाउस का लॉर्ड यदि 2nd हाउस में हो, तो उस परिस्थिति में अचानक से हमारा जो फाइनेंशियल साइकिल है वो डिसबैलेंस होता है, और अपने ही कुछ प्लानिंग की वजह से होता है। जैसे कि हमने प्लान किया कि हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, हम एक दूसरे व्यवसाय में भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दें, वो दूसरा व्यवसाय में हमारा फंड ब्लॉक होता है और उसकी वजह से हमारा जो स्टार्टिंग से व्यवसाय चलता आ रहा है उस पर भी उसके इम्पैक्ट आते हैं, और उसके इम्पैक्ट आने की वजह से हमारे अपने लेन देन, हमारा किसी भी प्रकार का जो ऋण है वह डिसबैलेंस होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि 6th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस के अंदर डिस्टर्ब हो और महादशा चल रही हो जुपिटर की, इस कॉम्बिनेशन पर हम इस बात को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने कर्जा लिया है, बहुत अच्छे से उसका निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन अचानक से घर के अंदर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, इतना ज्यादा परेशानी में आ गया है कि वहां पर हमें और एक्स्ट्रा कर्जा लेना पड़ रहा है। तो हमने जो पहले से कर्जा लिया अपनी सुविधाओं के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो लोन लिया है,
उस पर भी उसका इम्पैक्ट आता है और हमारे जो एसेट्स हैं वो डिसबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हमारे एसेट्स को बेचने की भी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसा कब होता है? जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में हो, या फिर सिक्स हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में हो, मंगल की सूर्य की महादशा हो, इन दोनों में से किसी भी एक प्लैनेट की महादशा हो, या फिर योगिनी दशाओं में भ्रामरी की दशा हो या फिर संकटा की दशा हो, यदि ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा हो तो डेफिनेटली इस प्रकार की सिचुएशंस देखने को मिलती हैं कि हमने लोन लिया और अचानक से घर के अंदर किसी का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हुआ और हम अपनी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको संभाल नहीं पाए और उस परिस्थिति में हमारे एसेट्स भी खराब होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इवन और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिसमें डिस्टरबेंस महसूस होते हैं। जी जी, तो यानी कि लोन लें, लेकिन आपने कहा कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 25 रुपये का लोन लें, पहले तो इस बात का ख्याल रखें। कई बार हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, हमको लगता है चुका देंगे, चलो 100 रुपये कमाते तो 50 रुपये का लोन ले लिया, लेकिन वो चुकता नहीं है और फिर नहीं नहीं उसको। हम ले लेते हैं, हम बहुत अच्छा, हम सकारात्मक सोच करके लेते हैं, हाँ इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा ही जीवन चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जितना कम से कम हो उतने कम से कम हमें लोन लेना चाहिए और लोन लेते समय भी विचार कर लेना चाहिए। यदि हम किसी प्रकार का कोई बड़ा लोन ले रहे हैं तो हमें विचार कर लेना चाहिए कि क्या हम टाइमली अपने लोन को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोन के ऊपर लोन भी चलता रहता है, उसे भी हम ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं। अब लोन के ऊपर लोन अगर चल रहा है, क्योंकि अब विषय चल गया है जी इस जी विषय जी का, इस बात का, तो मैं डेफिनेटली इस बात को भी कहना चाहूंगा, यदि सिक्स हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में ही अपने घर का स्वामी, अपने ही घर में, यानी कि सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने घर का स्वामी और अपने ही घर के अंदर डिस्टर्ब है और महादशा शुक्र की चल रही है और शुक्र की स्थितियां भी कुंडली के अंदर अच्छी नहीं है, खास करके D10 चार्ट के अंदर अगर आपका शुक्र डिस्टर्ब है, तो उस परिस्थिति में आप एक लोन खत्म करेंगे दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म करेंगे तीसरा शुरू होगा। इवन एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर एक लोन के आधार पर दूसरा लोन भी प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि पैरलर आप दो दो लोन चला रहे हैं, अमाउंट उतना ही है लेकिन दो प्रकार के अलग अलग लोन हैं। इस क्रेडिट कार्ड को खत्म करने के लिए आपने दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लिया, वह भी लोन हुआ, और इसका आपने हिसाब कंप्लीट किया है लेकिन दूसरे का फिर से शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर के लोन पर लोन इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में अधिकांश देखने को मिलता है। अब एक और लोन की यहां पर हम बात कर रहे हैं, हमने व्यावसायिक लोन लिया, अब इसको हम यह भी नहीं कह सकते कि हमें कम लेना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय की जितनी आवश्यकता है हमें उतना लोन तो लेना ही पड़ेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। व्यवसाय की किसी भी प्रकार का बड़ा लोन लेने से पहले हमें किसी अच्छे कंसल्टेंट से डिस्कस कर लेना चाहिए। लोन में, व्यवसायिक लोन में कहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं? यदि D10 चार्ट के अंदर जुपिटर, D10 चार्ट के अंदर सूर्य और D10 चार्ट के अंदर शुक्र या डिस्टर्ब हो और आपकी लग्न कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर 10th हाउस के अंदर जुपिटर हो, 10th हाउस के अंदर जुपिटर वीक हो, साथ ही साथ 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के अंदर हो और डिस्टर्ब हो, यानी कि उसकी जो डिग्रीज हैं वह लगभग 3 से 4 डिग्री, 5 डिग्री से यदि कम हो, तो उस परिस्थिति में व्यावसायिक लोन में हमें बहुत ज्यादा गति अवरोध देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि लोन की वजह से हमारा व्यवसाय बंद हो जाए, ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं। व्यवसाय में लोन की वजह से हमारा व्यवसाय कब बंद होता है, किस कॉम्बिनेशन में होता है, यह भी जान लेने का विषय है। यदि 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर, 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के अंदर दो दो शत्रु प्लैनेट के साथ या दो दो नेगेटिव क्रूर प्लैनेट के साथ डिस्टर्ब होता हो, अब यदि 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है और उसके साथ साथ राहु की प्लेसमेंट है और उसके साथ साथ सूर्य की प्लेसमेंट है, तो उस परिस्थिति में आपको अपने व्यवसाय में एक तो नया लोन जल्दी लेना नहीं चाहिए, यदि अगर लोन लेते हैं तो बहुत विचार करने के बाद लोन लेना चाहिए, क्योंकि अधिकांश अधिकांश की परिभाषा है 97% केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग सिर्फ अपने लोन की वजह से ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, इवन उस व्यवसाय को कर्जे में ही बंद करना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने नियर बाई देखने को मिल सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके माध्यम से इस बात को हम समझ सकते हैं।